हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आरिफ। आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। जब भारत में मौर्य साम्राज्य था तो लगभग संपूर्ण भारत पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, लेकिन मौर्यों के समाप्ति के बाद जब मौर्य उत्तर काल आता है, अर्थात छोटे छोटे वंश आते हैं, तो वो लगभग संपूर्ण भारत पर अपना शासन करने में विफल होते हैं। तो उनके बाद कोई भी ऐसी केंद्रीय शक्ति नहीं आती है जो पूरे भारत पर अधिकार कर सके। तो इस बीच में छोटे छोटे राजा हुए थे और छोटे छोटे ही वंश हुए थे, लेकिन 240 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है और यही मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में उभर कर सबसे शक्तिशाली वंश आता है। इसमें कई सारे शक्तिशाली शासक हुए हैं, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखो, गुप्त वंश का अर्थात गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था तो वो श्री गुप्त था, और श्री गुप्त ने 240 ईस्वी से लेकर और 240 ईस्वी से लेकर इसने 280 ईस्वी तक शासन किया है। साथ ही साथ इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है गुप्तों के बारे में, तो ये हमें कहां से मिलती है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो ये हमें जो मिलती है इसके स्रोत क्या क्या है, तो देखो, एक तो साहित्य स्रोत है जो देवी चंद्र गुप्ता में, काम सूत्र, मुद्रा राक्षस, कालिदास की रचना आदि, इनसे जानकारी मिलती है। अब ये देवी चंद्र गुप्ता और काम सूत्र, इन दोनों के जो राइटर है, तो वो है बातास्य, ये आ जाता है किसने लिखी है, बातास्यायम, देवी चंद्र गुप्तम और कामसूत्र के लेखक कौन है, बातास्य। इसके अलावा मुद्रा राक्षस से हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है, और गुप्त मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, इसके लेखक है विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखादत्त। इसके अलावा जो कालिदास की रचनाएं हैं कई सारी, तो कालिदास की रचनाओं से भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि कालिदास जो थे तो ये गुप्त वंश में ही, गुप्त जिस टाइम गुप्त शासन चल रहा था या गुप्तों का शासन था, तो उसी टाइम कालिदास थे, अर्थात ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भी रहे हैं, तो देखो उनके दरबारी भी थे। तो अब और दूसरा हमें मिलता है लेख से, लेख कौन कौन से, प्रयाग प्रशस्ति, एरण अभिलेख और ताम्रपत्र और मोहरों से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखो देखते हैं, तो श्री गुप्त, तो इसका साम्राज्य संस्थापक कौन है, गुप्त वंश का इसका संस्थापक है श्री गुप्त, और श्री गुप्त ने जो शासन किया है तो इसने 240 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी तक शासन किया है, और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से जानकारी मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। साथ ही साथ प्रभावती गुप्ता के पूना ताम पत्र अभिलेख में श्री गुप्त को आदिराज कहा गया है, तो ये इसकी उपाधि भी है कि आदिराज के नाम से कौन जाना जाता है, तो श्री गुप्त जाना जाता है। श्री गुप्त के आदिराज की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो प्रभावती गुप्ता के ताम्र पत्र अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। और इसके बाद इसका पुत्र आता है अर्थात घटोत्कच, तो घटोत्कच जो है ये एक उपाधि धारण करता है महाराज की, तो महाराज की उपाधि धारण कौन करता है, घटोत्कच। बस इसके ज्यादा नहीं आएगा, बस यही पूछ सकता है, क्रम के अनुसार पूछ सकता है कि गुप्त के बाद किसने शासन किया था घटोत्कच ने, कब से, 280 से 219। इसने उपाधि क्या ली, महाराज, अर्थात महाराज की उपाधि किसने ली थी, तो किसने ली थी, घटोत्कच। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल जो है 319 ईस्वी से लेकर 334 ईस्वी तक था, ये इसका वास्तविक संस्थापक कहलाता है, गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक कहलाता है, तो वो कहलाता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह भी किया था, इसने क्या करा, लिच्छवी की राजकुमारी, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया था, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, कुमार देवी, तो ये ऑप्शन में आता है, भाई लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से किसने विवाह किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, और जब लिच्छवी की राजकुमारी से इसने विवाह कर लिया तो इसकी शक्ति काफी बढ़ गई थी।
साथ ही साथ इसने उपाधि धारण की, तो उपाधि धारण की थी महाराजा अधिकार। देखो घटोत्कच ने जो उपाधि धारण की थी वो महाराज की थी, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी तो वो महाराजा अधिकार की उपाधि धारण की। जबकि श्रीगुप्त की बात करेंगे तो श्रीगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी तो उसने जो श्रीगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी तो उसने आदिराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने आदिराज की उपाधि, जबकि घटोत्कच ने महाराज की, और इसने किसकी गई थी करी थी महाराजा अधिकार। साथ ही साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में जिस टाइम ये सिंहासन पर बैठा था तो इसने क्या चलाया था, तो इसने चलाया था गुप्त संबंध। ध्यान रखना गुप्त संबंध कब स्टार्ट हुआ था, 319 ईस्वी में। किसने चलाया था ये, तो ये चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम कौन से वंश का शासक था, तो ये था गुप्त वंश का शासक। और इससे पहले दो संबंध जो चलाई थी तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, जिस जिस शासकों ने चलाई थी। तो आपने जो अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो वो देख लेना, क्योंकि वहां से एग्जाम में काफी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। अब आइए देखते हैं इनके बात आता, इनका पुत्र समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन कहलाता है, साथ ही साथ ये संगीत प्रेमी भी कहलाता है, क्योंकि जो इसके शासनकाल में संगीत जो सिक्के मिले हैं तो सिक्कों पर ये बीड़ा बजाते हुए इसके चित्र मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि समुद्रगुप्त जो था तो ये संगीत प्रेमी था। साथ ही साथ इसे भारत का नेपोलियन बी ए स्मिथ ने कहा है, क्योंकि इसने कई सारे युद्ध लड़े थे और उन युद्धों में विजय प्राप्त की थी। और इसने साथ ही साथ किसकी उपाधि धारण की थी, इसने उपाधि धारण की थी अश्वमेध क्रमांक की। किसकी, अश्वमेध क्रमांक की। देखो श्रीगुप्त ने करी उपाधि धारण आदिराज की, और जबकि घटोत्कच ने करी महाराज की। जब उसका पुत्र आता है चंद्रगुप्त प्रथम तो उसने उपाधि धारण करी महाराजा अधिकार की, जबकि उसके बाद जब समुद्रगुप्त आता तो इसने उपाधि धारण की प्राक्रमांक की, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। अब ये प्रशस्ति अभिलेख जो है इसके लेखक कौन है, हरिसेन। अब ये सबसे पहले जो लगाया था तो अशोक ने कौशाम्बी में लगाया था, अशोक के शासनकाल की बात है अर्थात मौर्य काल। लेकिन जब भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है और अकबर जब शासक बनते हैं तो अकबर इस अभिलेख को इलाहाबाद मना लेते हैं, अर्थात वर्तमान में प्रयाग में, और प्रयाग में इसकी स्थापना कर देते। साथ ही साथ इस अभिलेख से, प्रयाग अभिलेख से, इससे आपको इसमें जहांगीर और बीरबल के बारे में भी लिखा हुआ है, और अर्थात कह सकते हैं हम जहांगीर और बीरबल की भी इस अभिलेख से जानकारी मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। तो ध्यान रखना हरिशेर द्वारा रचित है ये प्रयाग प्रशस्ति, और इसके जो पहले अशोक ने कौशाम्बी में लगवाया था, बाद में अकबर प्रयाग लेकर आया था, उसके बाद इसमें जहांगीर और बीरबल के बारे में भी अकबर ने कुछ लिखवाया था, इनकी जानकारी मिलती है। भारत का नेपोलियन कहलाता। अब इसकी पत्नी की भी जानकारी मिलती है हमें, तो समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, दत्त देवी। अब दत्त देवी हमें जानकारी कहां से मिलती है, तो एरण अभिलेख में इसकी पत्नी का उल्लेख कहां मिला है, एरण अभिलेख में। साथ ही साथ जो सिक्के मिले हैं तो सिक्कों पर ये बीड़ा बजाते हुए मिला, इसलिए क्या था, संगीत प्रेमी। इसके शासनकाल में 6 प्रकार की मुद्राएं थी, तो कौन कौन सी, गरुड़, अश्वमेध, परा, धनुर्धर, व्याधंता एवं बीड़ा सारक। और इसके शासनकाल में था समुद्रगुप्त के शासनकाल में श्रीलंका का एक शासक था, उसने समुद्रगुप्त से जो भेद बंधन था, समुद्रगुप्त से गया में अर्थात बिहार में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। यहाँ से कई सारे आपके इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। आज ये पहली वीडियो है, इसके बाद में इसकी एक दो वीडियो और आएंगे, और वो सारा गुप्त साम्राज्य का पूरा उसमें। इस वीडियो को भी आप देखना, पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ आने वाली वीडियो भी जरूर देखना, क्योंकि एग्जाम में आपको ये वीडियो काफी मदद करेगी ऑब्जेक्टिव बनाने में, ठीक है। अब इसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो गुप्त वंश का जो संस्थापक है तो वो कौन है, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को कौन सी उपाधि धारण की थी, उसने उसने आदिराज की उपाधि धारण की थी, जबकि
उसके बाद जब उसका पुत्र आता है घटोत्कच, तो घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराज की उपाधि धारण की। उसके बाद जब उसका पुत्र आता था चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। अर्थात गुप्त संवत किसने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब चलाया, 319 ईस्वी में। कब, जब वो सिंहासन पर बैठा था, उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। मतलब चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण, साथ ही साथ लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया, कुमार देवी से, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई थी। उसके बाद जब समुद्रगुप्त आता तो समुद्रगुप्त का युद्ध लड़ता और वो उसमें युद्ध में जीतता, जिस कारण वो भारत का नेपोलियन कहलाता है। तो भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा, तो डॉक्टर बी ए स्मिथ ने कहा है। और साथ ही साथ संगीत प्रेमी भी है। तो अगर गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्तों में संगीत प्रेमी किसे कहा जाता, तो किसे कहा जाता, समुद्रगुप्त। हमें कैसे पता चला समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, तो उसके शासन काल के जो हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं तो उनसे हमें जानकारी मिले, क्योंकि उस पर बेड़ा बजाते हुए उसका चित्र मिले हैं। तो ये भी ऑप्शन आता कि बेड़ा बजाते हुए किसके सिक्के मिले हैं, तो किसके शासन काल के, वो चंद्रगुप्त, सॉरी समुद्रगुप्त के शासन काल। यहाँ से काफी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, वो आप याद रखना। साथ ही साथ प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, इसके बारे में ये किसने लगाया था और इसके लेखक कौन है, पहले कहाँ था ये और वर्तमान में कहाँ है, तो देखो किसने, अशोक ने लगवाया था, कौशाम्बी में लगवाया था, बाद में अकबर लेकर आया, इलाहाबाद लाया, और उसने इसके बारे में जहांगीर और जो जहांगीर अकबर का पुत्र था सलीम, और उस साथ ही साथ बीरबल जो उसका मंत्री था, उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, थैंक्स।